हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों में सभी कोई को पता है विश्व विख्यात गंगा आरती, जो कि वाराणसी घाट में और हरिद्वार घाट में बड़े धूमधाम से सूर्यास्त के बाद मनाया जाता है। आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसके साक्षात साक्षी रहे होंगे, और बहुत से लोगों का यहाँ पे जाने का सपना होता है, पर शायद समय की कमी या पैसे की कमी के कारण यह सपना पूरा करने में कुछ लोगों को काफी समय लग जाता है। जिन दोस्तों ने इस गंगा आरती को देखा है उसके लिए थे हर हर गंगे, और जो दोस्त इस गंगा आरती को नहीं देखे है वो निराश ना हो। चलिए, मैं आज आपको कलकत्ता में गंगा आरती को दिखलाता हूँ। यह गंगा आरती 2 मार्च 2023 में हमारी प्यारी चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी के उद्योग से गंगा आरती के आयोजन किया गया है। दोस्तों, यह गंगा आरती कलकत्ता के किस घाट में हो रही है, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो, आरती की टाइमिंग क्या है, और क्या आरती देखने में आपको कोई एंट्री फीस लगेगा, ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। और जो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे साथ जुड़े हो, तो मैं मनोज आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोज जिला ब्लॉग्स में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को देखकर चले ना जाए, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक मीठा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, तो माँ गंगा के नाम से आज के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। हर हर गंगे। दोस्तों, यह आरती बाबूघाट के गंगा किनारे की जाती है। चलिए जानते हैं यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो। यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ईडन गार्डन है। दोस्तों, मैं अभी आरती वंदना गेट के सामने खड़ा हूँ, और आरती वो सामने में की जाएगी। आप जब इस गेट के सामने आओगे तो यहाँ पे दाहिने और बाई तरफ आपको पार्किंग नजर आएगा, यहाँ पे आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी लेकर आ सकते हो। चलिए आरती वंदना की ओर चलते हैं। ये सामने में आपका ईडन गार्डन स्टेशन है। ईडन गार्डन स्टेशन से जब आप निकलते हो, ये सामने में आपको आरती वंदना नजर आएगा। यहाँ पे लाइन से ऐसे चेयर लगाई गई है जो दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप जितनी जल्दी हो सके पहले पहुंच जाए, ताकि आप अपने मन के हिसाब से बेटर चेयर चूज कर सकते हो। दोस्तों, ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे गंगा की आरती की तैयारी चल रही है। धुनोची, प्रदीप, पंच प्रदीप को गंगा आरती वॉलंटियर्स तैयार करते हुए। यहाँ पर कुल 11 स्टेज है, इसी के ऊपर खड़े होकर पुरोहित जी आरती करते हैं। आरती स्टेज के ठीक उल्टी तरफ माँ गंगा का सुंदर नजारा हर हर गंगे है। आरती स्थान के बगल में ही माँ गंगा की एक नई मंदिर को बनाई गई है, और मंदिर के ठीक उल्टी तरफ ये नया घाट भी बनाया गया है। आरती से पहले यहाँ पर माँ गंगा जी की मूर्ति को पूजा करनी पड़ती है। पुरोहित जी माँ गंगा जी की पूजा करते हुए। आप लोग 6:15 बजे यहाँ आए, और 6:30 से 7:15 तक आरती का आयोजन होता है। एक एक करके पुरोहित जी 11 बजे स्टेज की ओर बढ़ते हुए। भूतनाथ की जय, काली मैया की जय, भवा विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। प्रेम से भरे गंगा मैया की जय।
मंगल आकल
गंगा आरती आज का शेष हो गया है। सभी पुरोहित जी माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए गंगा की ओर जा रहे हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती बने हर हर महादेव। गंगा माता की जय। दोस्तों, इस आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं लगती। हर शनिवार को माँ गंगा की आरती के बाद भोग प्रसाद की व्यवस्था होती है। अगर आप लोग शनिवार के दिन आरती पे शामिल होते हो, आरती के साथ साथ प्रसाद भी पा सकते हो। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी आप उससे संतुष्ट हो। अगर आपको मेरा ये काम जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ में कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूले। अच्छा दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।